जादू है तुम्हारे हाथों में। मिल जाओ ना, बस भी करो, कितनी खिदमत करोगी मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो फैज, तुम्हारी बीवी को दिल जीतने का गुर आता है। ये जरा सी तबीयत क्या खराब हुई? इतनी खिदमत कर रही है मेरी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी, हरीम को वाकई दिलों पे हुकूमत करना आता है। जाओ बेटा, तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारी अम्मी तुम्हारी राह देख रही होंगी। जाओ। शुक्रिया मम्मी। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर हूँ पहले से। हरीम ने बहुत ख्याल रखा है मेरा, बताया होगा तुम्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। आजकल आपको पता है टाइम ही नहीं मिल रहा, सुबह भाई के साथ ऑफिस जाता हूँ और शाम में फिर। मुझे खुश हुई ये सुनकर, अच्छी बात है बेटा। मम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि रिसेंटली मैंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया है, और शायद इसीलिए डैडी भी मुझसे बहुत खफा रहते हैं और भाई का रवैया भी बहुत खिंचा खिंचा सा है। लाइबा तो मुझसे बात ही नहीं करती और भाभी तो शायद ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं उनका देवर हूँ। मम्मी, मैं जानता हूँ मैं हरीम को अपने घर में इज्जत बना के जरूर लेके आया हूँ, लेकिन ये मेरी कभी भी ख्वाहिश नहीं रही कि मेरे अपने खूनी रिश्ते मुझसे खफा हो जाएं, मुझसे मुंह फेर लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हरीम को ओन कर लें प्लीज़।